प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के इस विशेष दिन के लिए जिसमें प्रभु ने मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ मिल सके, संगति कर सके और इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस से कहे हुए सातों वचनों के ऊपर हम मनन और चिंतन कर सके। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हालांकि हम अपने घरों में हैं लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा है और मेरी प्रार्थना, मेरी कामना है कि आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह की सलीब मसीह विश्वास का आधार है और मसीह विश्वास का चिन्ह है। द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट ओनली द बेसिस एंड फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ बट इट इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ क्रिश्चियन फेथ। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की सलीब नाश होने वालों के लिए मूर्खता परंतु विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 एंड वर्स 18 सेज दैट द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज फूलिशनेस इज फॉली फॉर दोज हु डोंट बिलीव बट फॉर दोज हु बिलीव इन जीसस द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज गॉड्स वे ऑफ सेल्वेशन एंड इट इज हिज पावर परमेश्वर की सामर्थ्य। आज की सुबह यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह की सलीब आपके जीवन में सामर्थ का कार्य करती है? What does the cross bear importance and witness in your life? To a Christian, the cross is the place of eternal salvation. किसी मसीह विश्वासी के लिए क्रूस उद्धार का स्थान है। To a Christian, it is a place of suffering. प्रभु यीशु मसीह के दुख पीड़ा और वेदना का स्थान है। टू अ क्रिश्चियन द क्रॉस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक मसीह विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह की सलीब मृत्यु का स्थान है। टू अ क्रिश्चियन क्रॉस इज व्हाट जॉइंस द हेवंस एंड द अर्थ। एक मसीह विश्वासी के लिए सलीब वो है जो परमेश्वर को मनुष्य से, स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ने का काम करती है। एंड टू अ क्रिश्चियन क्रॉस इज द प्लेस वेयर द एनिमी सैटन वाज डिफीटेड एंड हिज हेड वाज क्रश्ड वंस एंड फॉर ऑल। और किसी मसीह विश्वासी के लिए क्रूस वो स्थान है जहां हमारा बैरी, हमारा शत्रु शैतान को एक बार हमेशा के लिए परास्त किया गया और उसके सिर को कुचल दिया गया, जो वायदा परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक और उसके तीसरे अध्याय में किया था। उस वायदे की पूर्ति यहां पर हम सलीब के ऊपर होता हुआ देखते हैं। द सेवन वर्ड्स अटर्ड बाय जीसस फ्रॉम द क्रॉस आर नॉट द वर्ड्स ऑफ अ लूजर बट द वर्ड्स ऑफ अ विक्टर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए सात वचन किसी हारे हुए व्यक्ति की पुकार नहीं है परंतु एक जयवंत विजयी व्यक्ति की पुकार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब इन सात वचनों के ऊपर हम मनन करेंगे और चिंतन करेंगे तो काश कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सलीब से कहे हुए ये सात वचन हमें से हरेक को उत्साहित करें, हमें से हरेक को एक नई दिशा दें, हमें से हरेक को अपने मसीही विश्वास को परखने की और एक बार फिर से आत्म अवलोकन का अवसर मिल सके। My prayer this afternoon for each one of us is that may the words spoken by Jesus on the cross of Calvary become a source of new encouragement, a new direction for each one of us. And may these words enable all of us to introspect our lives. प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। May God bless each one of you even as we meditate on the seven words uttered by Jesus on the cross of Calvary. मैं प्रार्थना निकेतन की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस वीडियो के तैयार होने में सहायता करी है, योगदान दिया है। आपकी सलाहों के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। क्रूस पर से प्रभु के द्वारा कही गई पहली वाणी मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में उसकी 33 और 34वीं आयत में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां से उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
कहा गया पहला वचन हमें मिलता है लुका की इंजील और उसका 23वां अध्याय और उसका 34वां पद। द फर्स्ट वर्ड स्पोकन बाय जीसस फ्रॉम द क्रॉस इज रिकॉर्डेड इन द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 34। फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। द फर्स्ट वर्ड स्पोकन बाय जीसस इज अ वर्ड ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा का शब्द है। अगर आप मेरे साथ कल्पना करें तो इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया जाता उसको कई घंटों तक बहुत पीड़ा, बहुत वेदना, बहुत प्रताड़ना, बहुत बेइज्जती और तमाम तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा। उन आरोपों को यीशु मसीह के खिलाफ में कहा गया जो कि झूठे थे, गलत थे, लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो शांत खड़ा सब कुछ सुनता रहा। और अब जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है और कई घंटों तक प्रताड़ित होने के बाद जब प्रभु अपना मुख खोलता है तो उसके मुंह से क्षमा का शब्द निकलता है और कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर। आपके और मेरे सीखने की एक बात, पहला तिमोथियुस और उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद में इस प्रकार से लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर और हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह बिचवई है, वो हमारा अधिवक्ता है। ही इज आवर एडवोकेट हु इज एडवोकेटिंग ऑन आवर बिहाफ बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर के दया के सिंहासन के सामने वो आपके और मेरी ओर से गुहार लगाता है। और आज भी जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है तो लोगों के लिए परमेश्वर पिता से वो माफी मांग रहा है, कह रहा है पिता इन्हें माफ कर। Who I wonder is Jesus referring to when he says, "Father, forgive them"? Who are these them? कौन है ये लोग जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से माफी की गुहार कर रहा है? सबसे समीप जो लोग खड़े हुए थे वो रोमी सैनिक थे जिनको वो कार्य दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह को उन्हें सलीब के ऊपर चढ़ाना और उसको सलीबी मौत देना। एक बहुत ही कठिन कार्य मेरे विश्वासी कि एक कराहते हुए जिंदा व्यक्ति के हाथों और पैरों में कील ठोक देना, अ ग्रूसम एक्ट, और उनको वो कार्य दिया गया था और यीशु उनके लिए कह रहा है पिता इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। थोड़ी ही दूर पर व्यवस्था के शिक्षक, फरीसी, याजक और महायाजक खड़े थे जिनके विषय में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र कर रहे थे। They were plotting and scheming and planning to kill Jesus। और हम देखते हैं अंत में आज के दिन कि उनका वो षड्यंत्र सफल रहा और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़वा दिया। प्रभु यीशु मसीह इन व्यवस्था के शिक्षकों के लिए और इन फरीसियों, सदूकियों, याजकों और महायाजकों के लिए पिता से माफी मांग रहा, कह रहा पिता इन्हें माफ कर। थोड़ी ही दूर पर मेरे विश्वासी भाइयों बहनों वो भीड़ खड़ी थी जो अभी कुछ ही दिन पहले खजूरों के इतवार के दिन होशंगा के नारे लगा रही थी। अब कुछ समय के बाद यही भीड़ है जिसने पुकार करके कहा इसको क्रूस दे दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो, क्रूसिफाई हिम एंड लीव बरब्बा फॉर अस। ये भीड़ को प्रभु यीशु मसीह देखकर कहता है पिता इन्हें माफ कर, फादर फॉरगिव। थोड़ी ही दूर पर प्रभु यीशु मसीह के चेले खड़े थे, वो चेले जिनको यीशु मसीह ने नाम लेकर के पुकारा, बुलाया, कहा था मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला हूं। वही चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया हुआ हरेक आश्चर्य कर, वही चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ गुजरे 3.5 वर्ष तक हर जगह पर गए, यीशु के हर शब्द को सुना, यीशु के हर कार्य को देखा, बड़े बड़े दावे करते थे,
ये वही चेले हैं जिनमें से एक ने चांदी के चंद सिक्कों के लिए यीशु को बेच दिया। ये वही चेले हैं जिनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, कहा मैं तो इसको जानता तक नहीं। ये वही चेले हैं जिनसे यीशु ने कहा था प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो, और वो सो गए। और आज वही चेले हैं जो दूर खड़े हैं, यीशु मसीह को छोड़ दिया, उससे अलग हो गए, डर गए हैं, और यीशु पिता से उनके लिए माफी मांगता है, कह रहा है पिता इन्हें माफ कर दे। और विश्वासियों थोड़ी ही दूर पर पिलातुस खड़ा, जिसने एक पानी से अपने हाथ को धो करके कहा इसमें मुझे कोई कमी और गलती दिखाई नहीं देती, इसके लहू का दोष मुझ पर और मेरे परिवार पर ना आने पाए। और प्रभु यीशु मसीह पिता से उसके लिए भी माफी मांग रहे हैं। विश्वासियों जिन लोगों का जिक्र मैंने किया है, ये तो ये बहुत छोटा सा समूह है, लेकिन ये छोटा समूह सारी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है। This small group of people for whom Jesus is seeking forgiveness from God is only representing the larger crowd, the entire humanity. रोमियो की पुस्तक उसके 30वें अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। For all have sinned and fall short of the glory of God, and for all have sinned, all needed forgiveness. क्योंकि सबने पाप किया है और सबको परमेश्वर की माफी की आवश्यकता है। और आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए पिता से पुकार कर कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आज माफी की गुहार लगा रहा है। जीसस इज सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर यू एंड फॉर मी दिस आफ्टरनून। मेरी प्रार्थना और मेरी कामना यह है अपने लिए और आप सबों के लिए कि काश की वो प्रार्थना जो आज से 2020 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी की क्रूस पर की थी, काश वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना आज मेरे जीवन की सच्चाई बन जाए। That may I receive forgiveness from God the Father because of His Son, Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर पिता की ओर से मुझे माफी मिल जाए। The beauty and the wonder of this first word of Jesus, that this is a word of forgiveness. ये माफी का शब्द है और प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ ये पहला शब्द अद्भुत इसलिए है क्योंकि इस शब्द में, इस वचन में माफी की बात की गई है। कलाम में लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। We receive eternal life because of the forgiveness of our sins, because of the shed blood of Jesus on the cross of Calvary. और प्रभु यीशु मसीह के एक चेलों में से एक ने कई वर्षों के बाद अपनी एक लेखनी में कहा, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो वो हमारे पापों को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई प्रार्थना को यूहन्ना अपने लेख में स्थापित करता है और एक बार याद दिलाता है। एंड ही सेज इफ वी कन्फेस आवर सिंस विद आवर माउथ ही इज फेथफुल एंड रेडी एंड जस्ट टू फॉरगिव आवर सिंस and to purify us from all iniquity. वो हर अधर्म से हमें शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे साथियों, यीशु से माफी मांगो। आज के दिन जब हम और आप मिलकर के इस शुभ शुक्रवार की इबादत में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह सलीब पे लटका हुआ है और वो पुकार के कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर दे। मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, वो प्रार्थना सिर्फ उस दिन उन लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन यीशु की प्रार्थना आज आपके लिए भी, पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, प्रभु हम पर अनुग्रह करे ताकि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना हमारे जीवनों की सच्चाई बन जाए और हमें पिता परमेश्वर से माफी मिल जाए। उस दिन प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर लटका हुआ था तो उसके मुख से निकला हुआ पहला वचन माफी का वचन था और उसने कहा, पिता
इन्हें माफ करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई दूसरी वाणी जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 43वें वचन में, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर से कहे हुए दूसरे वचन का जो शीर्षक है वह है वर्ड ऑफ एश्योरेंस, एक निश्चयता का एक वचन है जो प्रभु ने दिया, एक संदेश है, प्रतिज्ञा का संदेश है प्रभु ने दिया। डाकू के प्रत्युत्तर में डाकू ने कहा कि हे प्रभु, जब तो पराज में आना तो मेरी भी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह के साथ डाकू के साथ प्रभु के साथ में दो डाकू थे, एक दाहिनी तरफ था एक बाईं तरफ में था। जो पहला डाकू था वो प्रभु यीशु मसीह का एक तरह से मजाक उड़ा रहा था, जैसे अन्य लोग भी मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठे उड़ा रहे थे, और वैसे ये भी डाकू जो पहला डाकू था वैसे उन मजाक करने वाले लोगों के साथ में ये मजाक कर रहा है और कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का मसीह है तो अपने आप को बचा और हमको बचा। यहाँ हम देखते हैं कि इस डाकू के मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अविश्वास है। ये नहीं जान रहा कि ये जो सत्संग सूली पर जो बलिदान हो रहा है वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं सृष्टि करता है, लेकिन एक अविश्वास की आंखों से वो देख रहा कि एक मामूली मसीह है, एक मानव है। लेकिन जो दूसरा डाकू है वो उसको डांट रहा है, वो कहता कि तू नहीं जानता कि तू इस किससे बात कर रहा है, हम तो अपने अपने पाप का अपने कर्मों का हम फल पा रहे हैं, दंड पा रहे हैं, इसने कोई ऐसा निश्चित काम नहीं किया है। और तब इस डाकू ने कहा कि हे प्रभु, जब तू अपराध में आना तो हमारी भी सुधि लेना। परमेश्वर होकर के यीशु मसीह ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये विश्वास की आंखों से देख रहा है, पहला डाकू यीशु मसीह को अविश्वास आंख देख रहा है, दूसरा आंखों डाकू जो यीशु मसीह को विश्वास की आंखों से देख रहा है। यहाँ पर दो बातें हम देखेंगे। पहली बात यह, एक वास्तविक जीवन का आरंभ यीशु मसीह को भिन्न रूप से देखने का है। हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण भिन्न होना जरूरी है। हम यीशु को किस रूप से हमें देखते हैं, क्या वो एक मामूली इंसान है, क्या वो मामूली मरियम यूसुफ का बेटा है, या वो स्वयं परमेश्वर है। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। इस डाकू में इसका नजरिया बहुत गलत था, बहुत ही भिन्न था, एक अविश्वास ज्ञापन से यीशु को दिख रहा था। जो दूसरा डाकू था वो ही लुक टू जीसस विद अ फेथ, एक विश्वास की आंखों से वो देखा यीशु मसीह को। उसने देखा कि जो सताने वाले हैं उनको क्षमा कर रहा है, जो पहला कलमा है प्रभु अपने पिता से उन डाकुओं के लिए, लोगों के लिए जो उसको भेद रहे हैं, मार रहे हैं, कुरे ठोक रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, उनके लिए क्षमा मांग रहा है। और ये तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो ये देख रहा है कि ये यीशु बिल्कुल भिन्न है। तो ये उसने क्या देखा, इस तो महान परमेश्वर है, अत्यंत सज्जन व्यक्ति है, ये झूठ नहीं बोलता है, झूठा ये वादा नहीं करता है, और इसलिए उसने यीशु मसीह को श्रापित नहीं किया। उसने यीशु मसीह से कहा हे प्रभु, जब तो राज्य में होना तो मेरी भी सुधि लेना। ये यीशु मसीह एक स्वयं परमेश्वर है और वो परमेश्वर होकर के मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए आज भी वो तैयार है। दूसरी बात हम देख रहे हैं यहाँ पर एक निर्दोष मेमना परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप के लिए वहां टंगा हुआ है। दो डाकू हैं, एक डाकू उसको विश्वास नहीं कर रहा है, दूसरा डाकू विश्वास कर रहा है और ये भी मान रहा है कि ये यीशु मसीह है, ये हमारे पापों के लिए ही बलिदान हो रहा है। वो डांट के कह रहा है हम तो न्याय अनुसार अपना दंड पा रहे हैं, परंतु इसने कोई अनुचित ना काम नहीं किया। यीशु मसीह एक निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का मेमना था जो इस संसार में मानव के पापों के लिए आया था।
यही तो इस डाकू का पश्चाताप था। हम तो अपने पापों का दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। उसने तब उस पश्चातापी हृदय से प्रभु से कह रहा, 42 पद में कह रहा है, तब यीशु ने उसे कहा जब तू अपने राज में आए तो मेरी स्तुति लेना। तब प्रभु ने उसको एक आश्वासन दिया, एक निश्चय दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्वासन है मित्रों, मेरे और आपके लिए। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, एकमात्र परमेश्वर है जो मैं स्वर्ग लोक का हमें निश्चय और आश्वासन हमें दे सकता है। पहले डाकू ने अपने पापों से तौबा नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, वो अपने पापों में ही मर रहा है। लेकिन दूसरा डाकू है, प्राश्चित करके, पश्चाताप करके, तौबा करके अपने पापों से वो मर रहा है। प्रभु वो अपने पापों के बारे में बता दिया है, मैं पापी हूँ, मैं डाकू हूँ, मुझे धन मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु तो मुझे अपने राज में याद करना। यहाँ पर एक बहुत खुशी की बात है कि जब हम अपने पापों से जब तौबा करते हैं, प्राश्चित करते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता है। इस डाकू को जबकि वो डेथ बेड पर होते हुए भी हम पढ़ते हैं उसके उद्धारकर्ता मिल गया। He was on the death bed, going to die soon. लेकिन उसी वक्त जब उसने प्राश्चित किया, यीशु मसीह से उसने मांगा कि प्रभु अपने राज में मुझे शुद्धि लेना, एक तौबा था वो प्रभु के समक्ष। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक अच्छा निश्चय उसने प्रभु ने दे दिया। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, वास्तविक जीवन का परिणाम प्रभु में आनंद होता है। इस डाकू में एक आनंद आ गया है, एक उद्धार की मुक्ति की शांति मिल गई, आश्वासन मिल गया कि अब मैं प्रभु के साथ में हमेशा के लिए जाऊंगा। एक स्वर्ग में जाने की एक आशा, एक उम्मीद। प्रभु कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये जो पैराडाइज आता वर्ड अंग्रेजी में, वो जो है एक पर्शियन जो शब्द है, यहाँ राजा अपने राजमहल में अपने एक बहुत प्रिय मित्र को इनवाइट करता था और उसके साथ में उस बाग बगीचे में जो सजा हुआ उसमें बैठ करके अपने दोस्त के साथ में समय बिताता है। और अब वहाँ पर एक रेस्टफुल प्लेस है, आरामदायक समाज जगह है, खुशी का जगह है, शांति का जगह है, सुंदरता का जगह है और आनंद का जगह है। उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को ले जाते हैं, अर्थात वो स्वर्ग का स्थान है। राजा अपने प्रिय, अपने नजदीकी मित्र प्रभु यीशु इस डाकू को अपने साथ में ले जा रहा स्वर्ग में। यही अनंत जीवन है, यही शाश्वत जीवन है। यदि हमने अभी तक यीशु मसीह के द्वारा इस अनंत जीवन को, इस मोक्ष को, इस शांति को हमने प्राप्त नहीं किया है, तो हम उसको आज प्राप्त कर सकते हैं। इट वॉज अ वेरी इंटीमेट क्लोज फ्रेंडशिप विद जीसस। यीशु मसीह के साथ में बहुत ही घनिष्ठता का, निकटता का एक संबंध बन गया था। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु के साथ में वो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बातों से, अपने बाहों से उसके गले में हाथ लगा करके लेता है, स्वर्ग में जा रहा है। आओ मेरे मित्र, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। वो गले को में समेटे हुए, अपने बाहों में लगाए हुए उस मित्र को अपने साथ ले जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। मित्रों, क्या आज आपके जीवन में है? यीशु मसीह जो एक डाकू के बीच में था, ही वॉज डाइंग फॉर द सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ही वॉज डाइंग फॉर द सिंस ऑफ दीज टू थीव्स, इन दो डाकुओं के पापों के लिए और मेरे और आपके पापों के लिए और संसार के पापियों के पापों के लिए वो मर रहा है। और इसलिए यूहन्ना अध्याय 3:17 में कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में नहीं भेजा कि उन पर दंड किया गया दे, परंतु उन्हें अनंत जीवन दे। यीशु मसीह संसार में से आया है, हमें अनंत जीवन दे, हमारे आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे। डाकू ने कहा प्रभु मेरे अपने राज में जब तू आए तो मेरी शुद्धि लेना। परमेश्वर आज आपके जीवन की शुद्धि लेना मांगता है, आपके पापों को क्षमा करना मांगता है, आपको शुद्ध करना मांगता है, आपको उद्धार का आश्वासन देना मांगता है, आपको शांति और मोक्ष देना मांगता है, आपको परमेश्वर साक्षात्कार देना मांगता है। आप अपने हृदय को खोलिए, आपके लिए उसका द्वार खुल जाएगा। अपना हृदय खोलिए, उद्धार का द्वार प्रभु यीशु मसीह आपको खोल देगा। ये समय अभी है, नाउ इज द टाइम, एक्सेप्ट हिम एज योर सेवियर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। क्रूस पर से प्रभु के द्वारा कहा गया तीसरा वचन,
यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय 26 और 27 पद यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यह परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने को बहुत आशीष मिले। आमीन। यीशु द्वारा क्रूस पर से कही गई तीसरी वाणी पाई जाती है यूहन्ना उसका 19 अध्याय पद 25 से पद 27। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। पहली तीन वाणियां यीशु ने दूसरों के संबंध में कही थी। पहली वाणी दुश्मनों की क्षमा के रूप में उन्होंने कही, उन दुश्मनों के लिए जिन्होंने यीशु को अनेक प्रकार की ताड़नाएं दी। हम जानते हैं पिछली रात भर यीशु ने बहुत तकलीफ का सामना किया, धोखे का सामना किया। और इसी प्रकार पहली वाणी यीशु ने अपने दुश्मनों की पाप क्षमा के रूप में कहा। दूसरी वाणी एक डाकू अर्थात कुकर्मी के लिए कही, जो व्यक्तिगत प्राश्चित का फल के उद्धार के रूप में था। ये वो डाकू था जो अनेक गलतियों के कारण से क्रूस की मृत्यु को सहने वाला था, लेकिन उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और यीशु से उद्धार की अपेक्षा करते हुए प्रार्थना की। और अब आती है तीसरी वाणी जिसमें यीशु अपने माता की भविष्य की व्यवस्था को करते हैं। जैसा कि पद में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, अर्थात उस जगह जहां पर बहुत भीड़ थी, अनेक प्रकार के लोग खड़े थे। वो लोग भी थे जिनके साथ यीशु ने 3.5 वर्ष अलग अलग आश्चर्य कर्म किए होंगे। बहुत बड़ी भीड़ थी, मगर ऐसी परिस्थिति में भी यीशु की आंखें अपनी माता के ऊपर पड़ी। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि यीशु की आंखें अपने लोगों के ऊपर सदैव बनी रहती है। इस बात का जानना आवश्यक है कि यीशु अपनी माता से प्रेम करते थे और उनकी माता उस स्थान पर अपने दुख के संग अपनी पीड़ा के संग उसी स्थान पर खड़ी हुई थी। मृत्यु के समय माता मरियम के अलावा वहां पर उनका सबसे प्रिय मित्र और शिष्य यूहन्ना भी था, माता की बहन सलोमी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मग्दलीनी इत्यादि भी थे। और उस समय जब यीशु की आंखों ने अपनी माता की पीड़ा को देखा तो उसका मन प्रेम से और दुख से भर गया। और उस वक्त उन्होंने ये शब्द बोले, हे नारी देख तेरा पुत्र। और यूहन्ना से कहा, देख तेरी माता। जिस प्रकार यीशु की आंखों ने अपनी माता के दुख को देखा, उसी प्रकार आज यीशु की आंखें हम पर भी हैं। हमारे संघर्ष, हमारी चिंताएं, हमारे भय यीशु से छुपे हुए नहीं हैं। चाहे हम उनको अपने शब्दों में बोल सके या न बोल सके, इस बात का विश्वास कीजिए कि यीशु की आंखें हमें देखती रहती हैं। और जब यीशु ने देखा तो उन्होंने इस बात को जाना कि उस वक्त एक पुत्र का उत्तरदायित्व निभाना उनके लिए अति आवश्यक था, अर्थात अपने पास खड़े मित्र को बुलाकर, यूहन्ना को बुलाकर माता को उसके हाथों में सौंप दिया। शिमोन की जो भविष्यवाणी थी वो इस वक्त पूरी होती है, पाया जाता है लूका उसका 2 अध्याय पद 34 और 35।
शमौन ने यीशु बालक को यरूशलेम के मंदिर में अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहा, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। तब शमौन ने यीशु की माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का एक विशेष उद्देश्य था। स्वर्गीय पिता ने उनको एक लक्ष्य के संग, वो लक्ष्य था प्रेम का, उद्धार का, मानव जाति को बचाने का, उस उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजा था और निश्चय अपने उस कार्य को पूरा करके यीशु को वापस अपने घर लौटना था। और आज जब वो उस उद्धार के कार्य में है तो बीच में अपनी माता को देख पड़ते हैं। यूहन्ना उनका सबसे प्यारा शिष्य था, विश्वास योग्य था, भरोसेमंद था और यीशु अच्छी तरह जानते थे यदि वो किसी को भी अपनी माता की जिम्मेदारी देकर तसल्ली रख सकते हैं तो वो सिर्फ यूहन्ना था। और यहाँ एक अच्छी बात देखने को मिलती है कि यूहन्ना के हाथ अपने माता की जिम्मेदारी देकर यीशु ने उसको अपने भाई का दर्जा दिया। इस प्रकार हमने इस बात को देखा कि उस डाकू के प्रायश्चित के तत्पश्चात यीशु ने उसके लिए एक स्वर्गीय घर का प्रबंध किया और अब अपनी माता को मित्र के हाथ में सौंपकर एक पृथ्वी पर के घर का प्रबंध किया, अर्थात यहोवा यीरे प्रबंध करने वाला, यहोवा जायरे माय प्रोवाइडर। ऐसे कठिन परिस्थिति में हम इस बात से क्या सीखते हैं? हम इस बात को सीखते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना हमारे लिए सबसे प्रथम बात होनी चाहिए। एक्सोडस 20:12 में लिखा है, ऑनर योर फादर एंड मदर, तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना। ऑनरिंग वंस पेरेंट्स इंक्लूड्स लविंग देम, केयरिंग फॉर देम एंड प्रोवाइडिंग फॉर देम। न सिर्फ उनसे प्रेम करना, उनको ध्यान देना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि वचन भी हमें बार बार उबारता है, हमारे जवानों को, हमारे परिवारों के सदस्यों को वचन के द्वारा इस बात को उबारता है कि हमें अपने माता पिता से प्रेम करना है और आदर करना है। इफिसियों 6:1-2 में लिखा है, हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। नीति वचन 23:22 में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें तो हमें आवश्यक है कि अपने माता पिता से प्रेम और आदर का बर्ताव करना है। कुलोसियों 3:20 में लिखा है, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। वचन हमें बहुत स्पष्टता से ये आज्ञा देता है कि हमको अपने माता पिता का आदर करना है। क्रूस के निकट न सिर्फ प्रेम हमें मिलता है, न सिर्फ पाप क्षमा मिलती है, न सिर्फ छुटकारा है, परंतु आज्ञाकारिता का वचन हमें सिखाया जाता है। आइए इस गुड फ्राइडे एक नए रूप से अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियों को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में देते हुए इस बात का समर्पण करें, इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हम जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो हमारे माता पिता के साथ प्रेम और आज्ञाकारिता का व्यवहार करें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस पर से प्रभु के द्वारा कहा गया चौथा वचन मिलता है। मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय 45-46 पद। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। जो चौथा कलमा उन्होंने क्रूस पर से कहा यीशु मसीह ने, ये बाकी सभी से अलग कलमा दिखाई देता हम लोगों को। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये वाक्य जो है एक अलगाव के दृश्य को दिखाता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर का संबंध, परमेश्वर से जो यीशु मसीह का संबंध था, उस संबंध का विच्छेद हो रहा है। यीशु मसीह शायद परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं, और ऐसे समय में पूरे उस देश में अंधियारा छा गया। अंधेरा जो है ये पाप को दर्शाता है कि उस समय ये संसार पाप से भर गया, और ये उसी कारण वहां पर अंधेरा छा गया था। अगर हम लोग पुराने नियम में देखें, निर्गमन उसका 10वां अध्याय उसके 21 और 22 पद को, जब मूसा इसराइलियों को मिस्र देश से निकालने पर था और वहां पर परमेश्वर ने कई विपत्तियां इसराइलियों के ऊपर डाली, उसमें से एक ये भी है, उन्होंने मूसा से कहा तू अपना हाथ आकाश की ओर कर, तब इस पूरे देश पर अंधियारा छा जाएगा। और मूसा ने ऐसा ही किया और 3 दिन तक पूरे मिस्र में अंधेरा छाया रहा। अगर आप आमोस की किताब को पढ़ें, उसका 8वां अध्याय उसका 9वां पद, वहां पर भी उस लिखा हुआ है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अंधेरा कर दूंगा। ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का अधिकार जो है पूरे ब्रह्मांड पर है, उसका अधिकार सूर्य और चांद सभी पर पाया जाता है। सूर्य जो है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य का जो प्रकाश निकलता है उसमें ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा को पौधे इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, और उससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और उसी के कारण पूरा फूड तैयार किया जाता है जिसको हम खाते हैं। अगर सूर्य समाप्त हो जाएगा तो ना हम जिंदा रह सकते हैं, ना हम कुछ खा सकते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि सूर्य के ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सूर्य को बनाया है, और वो उसको जब चाहे तब हटा सकता है, जब चाहे तब ला सकता है। परमेश्वर का अधिकार सभी चीजों पर है, और एक ऐसा समय जबकि सूर्य भी यीशु मसीह से मुंह मोड़ लेता है और पूरे देश में अंधियारा छा जाता है। अगर यीशु मसीह की कंडीशन को हम लोग देखें, जबकि वो ये चौथा कलमा क्रूस से बोल रहे हैं, उनका जो शारीरिक स्थिति है वो पूरी तरीके से क्षीण हो चुकी है। उनको लोगों ने पकड़ा, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, बड़े बड़े कांटे थे जिसको कि सिर में धंसा दिया गया। हमको लगता है शायद बुरी तरीके से उनका सिर दर्द कर रहा होगा। उनके मुंह पर चांटा मारा गया, उनके मुंह पर थूका गया, उनको घूंसे मारे गए, उनको 39 कोणों की मार दी गई। इतना सब कुछ सहने के बाद उनके शरीर पर भारी क्रूस को रखा गया, और उस क्रूस को लेकर वो गुलगुथा पहाड़ी की ओर गए, जहां पर उनके शरीर को ठोंक दिया गया क्रूस के ऊपर, और वो क्रूस पर टंगे टंगे पहले 3 वाक्य में वो लोगों की चिंता करते हैं, लेकिन जब चौथा कलमा वो क्रूस से कहते हैं, उस समय ये होता है कि वहां पर यीशु मसीह का जो संबंध है शायद यीशु उस परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है, और अंधेरा छाता है, और ऐसे कंडीशन में एक यीशु मसीह की पुकार निकलती है। अगर हम उसके यीशु मसीह के मेंटल स्ट्रक्चर को देखें, उस समय मानसिक स्थिति कैसी है, तो उनका दिमाग जो था वो पूरी तरीके से काबू में था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। अगर हम उनके स्पिरिचुअल कंडीशन को देखें, आत्मिक स्थिति को देखें, तो जब परमेश्वर से उनका संबंध अलग हो रहा है तो उनकी आत्मिक स्थिति
बिगड़ गई है, और इसीलिए वो पुकार कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी तक उनका संबंध परमेश्वर से बना हुआ था। अगर आप योना से सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 22वां पद देखें, वहां पर कहते हैं, देखो वो घड़ी आती है जबकि सब चेले तितर बितर हो जाएंगे, परंतु फिर भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि पिता मेरे साथ है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 42 और 43 पद देखें, जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय लिखा है कि उनका पसीना निकल रहा था और वो मानो कि खून की बूंद के समान था, और वो बहुत व्याकुल थे, और उस व्याकुल मन में वो कहते हैं, यदि हो सके तो ये प्याला हट जाए, परंतु मेरी नहीं हे परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। और लिखा है कि उस समय एक स्वर्गदूत आता था जो कि यीशु मसीह को सामर्थ देता था। यीशु मसीह का संबंध लगातार परमेश्वर से बना हुआ था, लेकिन अब शायद यीशु मसीह का संबंध परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है। यही एक ऐसा वचन है जो यीशु मसीह ने क्रूस से कहा, जिसको लोग समझ नहीं पाए, और वो कहते हैं कि आओ देखें ये एलिया को पुकारता है या किसे पुकारता है, देखें वो इसको बचाने के लिए आता है कि नहीं आता है। यही एक ऐसा कलमा है जिसपे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जहां पर वो अपने पिता से क्वेश्चन करते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही एक ऐसा वाक्य है जहां पर यीशु मसीह अपने पिता को पिता ना कह करके ईश्वर करके संबोधित करते हैं। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर यीशु मसीह एक सिनर और सिन बन गए हैं, और अब वो परमेश्वर, अब वो ईश्वर के रूप में नहीं लेकिन 100% मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उनका संबंध पिता से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जब एक मेमना बध होने के लिए जाता है, एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरीके से अपने आप को अकेला पाता है, कोई भी उसके साथ नहीं होता, उसका झुंड उससे अलग हो चुका रहता है। वही स्थिति शायद यीशु मसीह की भी यहां पर दिखाई देती है। अगर हम लोग यीशु मसीह के ऊपर देखें क्या क्या चीजें रखी गई हैं, एक क्रूएल क्राउन है, कांटों का ताज है, दिस इज ए सिंबल ऑफ रिजेक्शन ऑफ द सॉवरेन गॉड। द क्रूएल क्राउड सिंबल ऑफ द रिजेक्टेड किंग। द क्रूएल क्रॉस सिंबल ऑफ द रिजेक्टेड सेवियर। यीशु मसीह को पूरी तरीके से त्याग दिया गया है। लास्ट अपनी बात को समाप्त करने से पहले हम कुछ वाक्यांशों को आपके सामने रखना चाहेंगे। यीशु को हमारे बदले दंड दिया जा रहा है ताकि हमें स्वतंत्रता मिल जाए। वो शारीरिक पीड़ा सह रहे हैं कि हमारे रोग हमसे दूर हो जाएं। यीशु लज्जा सह रहे हैं, पापियों के संग गिने जा रहे हैं ताकि हमें सम्मान मिल जाए। यीशु मृत्यु की ओर जा रहे हैं ताकि हमें जीवन मिल जाए। यीशु अंधकार में जा रहे हैं, अंधकार का अनुभव कर रहे हैं ताकि हमें स्वर्ग मिल जाए। यीशु का परमेश्वर से अलगाव हो रहा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि हमारा संबंध परमेश्वर से हो जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन में जो 5वां वचन अपने मुख से कहा, वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 से लेके 30 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 से 30 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। परमेश्वर
अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से आशीष दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं आकर पढ़ूंगा। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वो शरीर मनुष्य का शरीर होने के नाते, मनुष्य का शरीर का जो सीमाएं के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मारा गया, पीटा गया और उनका जीवन का, उनका शरीर का सारे खून चले गया और वो कमजोर हो चुका, और एक मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगा और उस प्यास को बताते हैं कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए। और यहां देखो वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पूरा एक मनुष्य हूं, यह कोई परमेश्वर का शरीर नहीं है, यह पूरा एक मनुष्य का शरीर है जिसमें जो तेरा शरीर है, मेरा शरीर है, हमारा शरीर में जबकि एक छोटा सा कांटा टिकता है, कांटा लगता है तो हमको मालूम है कितना दर्द हमारे लिए होता है। पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूं क्योंकि मैं एक पूरा मनुष्य हूं। यहां कहते हैं यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हुआ और इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा है उसका पूरा करना का एक प्यास। यीशु मसीह अपना शरीर में दुख झेलने के बाद, अपना मन में दुख झेलने के बाद वो गस्समना का बगीचे में बैठ करके जब प्रार्थना कर रहा था, उनका पसीना खून की बूंदे हो करके गिर जाते हैं और इस तरीके से दर्द को सहने के बाद उनका हृदय के अंदर एक इच्छा था, चाहे कोई कितना भी कष्ट में उठाओ परमेश्वर का कहा हुआ वचन वो पूरा होना चाहिए। हमारे जीवन में क्या हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के द्वारा पूरा होना है, परमेश्वर का वचन जो भी लिखा है वो मेरे जीवन के द्वारा पूरा होना है। यहां पर तीसरी बात यह है वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है, यूहन्ना 3 अध्याय उसको 16 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उसको ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन को पाए। हम और आप नरक में जाने से बचाने के लिए परमेश्वर की इच्छा था कि अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर मरने के लिए दे, और यीशु मसीह वो अपना एक बहुत बड़ा उद्देश्य होकर के चुन लिया। उन्होंने अपने शरीर में कष्ट सहने के लिए तैयार हुआ, और मरने के लिए तैयार हुआ, लोगों का मजाक उड़ाते समय उन्होंने उसको सहने के लिए तैयार हुआ, उनका शरीर हमारे लिए सौंप दिया। कारण यह था कि परमेश्वर की इच्छा मेरा द्वारा पूरा हो सके। वो प्रभु यीशु मसीह इसलिए भी प्यासा था कि 33.5 साल अपना पिता के गोद में बैठने वाला परमेश्वर, पिता के पास में बैठने वाला परमेश्वर, वो स्वर्ग छोड़ करके ये 33.5 साल इस दुनिया में जब रहता था उनको आस था, उनको इच्छा था मैं अपने पिता से मिलूं, फिर से मैं वापस जाऊं अपना सिंहासन पर बैठूं और वहां पर मेरा पिता के साथ में संगति करूं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता से बोलते हैं, पूछते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उनको दर्द को हम पहचान सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यीशु मसीह अपना पूरा जीवन को दे दिया और उनका ये प्यास ये भी था कि मैं पूरा मेरे पिता से मिल सकूं। वो पिता को मिलने के लिए तैयार होकर के ये कहते हैं मैं प्यासा हूं, और आखिर में प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्यासा था आपके लिए और मेरे लिए, मेरा और आपका आत्मा को बचाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह प्यासा था। उसके लिए कोई भी हद तक जाने के लिए वो तैयार हुआ, वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए तैयार हुआ, कष्ट को सहने के लिए तैयार हुआ, और कितना भी मजाक उनको उड़ाया गया वो सारे मजाक को सहने के लिए वो तैयार हुआ। सारे क्लेश सहने के बाद वो अपना जान
हमारे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसका 12 पद में इस तरीके से कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ऐसा लिखा हुआ, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा था, प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए इतना महान था कि वो अपना जान को भी हमारे लिए देने के लिए तैयार हुए। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग एक बार सोचना है कि क्या हम उस प्यार का कीमत समझते हैं, वो जान का कीमत समझते हैं, वो दर्द का कीमत समझते हैं। वो तेरे लिए था, वो मेरे लिए था। परमेश्वर के वचन में ऐसे नबी किताब में इस तरीके से लिखा हुआ है, उसको देखने से मनुष्य करके कोई कह गया नहीं, उसी तरीके से उनके रूप को बनाया गया, उनको मारा गया, कुटा गया, उनका शरीर में पूरी तरीके से चोट जख्म आ चुका था। वो सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए सहा, वो मेरे लिए आपके लिए कष्ट का सका। अगर आप प्रभु यीशु मसीह इस कष्ट को समझ रहे हैं कि अपने जीवन को समर्पण करें, प्रभु से बोले, प्रभु मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे हाथों के किया हुआ पापों के लिए आपका हाथों में कीली ठोकी, मेरे पैरों में जो गलत जगह में मैं गया उसके लिए आपका पैरों में कीली ठोकी, और मैं जो सोचना नहीं था उसका सोचने के द्वारा आपका सर पे कांटों को मुकुट पहना, पूजा पिताजी मुझे माफ करिए, आप मुझे क्षमा करिए, और मैं इस कुर्बानी को समझता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कही गई छठवीं वाणी जो कि पाई जाती है यूहन्ना के एंजल उसके 19वें अध्याय के 30वें पद में, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सभी को आशीष दें। आमीन। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया छठवां वचन हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां अध्याय और उसका 30वां पद। The sixth word said by Jesus from the cross of Calvary is recorded in the Gospel of John chapter 19 and verse 13. When Jesus had therefore received the vinegar, he said, "It is finished." पूरा हो गया, पूरा हो गया, खत्म हो गया, समाप्त। This event is mentioned in all the four Gospels. ये घटना प्रभु यीशु मसीह की ये घटना चारों सुसमाचारों में इंगित है। Now the question is, what was finished? प्रश्न ये है, क्या पूरा हो गया? क्या प्रभु यीशु मसीह का दर्द समाप्त हो गया? क्या पिता से उसका जो अलगाव था वो समाप्त हो गया? क्या उसकी प्यास समाप्त हो गई? Was he freed of his pain? Was that finished? Or was he back in relationship with God the Father? Was that over? Or was his thirst gone? Was that finished? Yes. But more than that, Jesus cried out the end or the finishing of an era. प्रभु यीशु मसीह उसने जब सलीब पर लटका हुआ था तो एक युग के समाप्ति और पूरे होने की घोषणा करता है। द सुप्रीमेसी ऑफ सिन ओवर मैन वॉज ओवर। पाप की मनुष्य के ऊपर प्रभुता समाप्त हो गई थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30वें अध्याय और उसके 15वें पद में परमेश्वर ने सांप को, सर्प को, शैतान को एक श्राप दिया था और कहा था कि मनुष्य का पुत्र तेरे सिर को कुचलेगा। और आज वो दिन था जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है और यीशु की मृत्यु के द्वारा मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने सांप के अर्थात शैतान के सिर को कुचल दिया। That was the end of an era। मनुष्य ने तेरे सिर को कुचल डाला है शैतान। The fulfillment of the prophecy was done and that was over। एक भविष्यवाणी थी जिसको पूरा कर लिया गया था। The conquest was being performed on the cross of Calvary।
between the Son of Man, the Lord Jesus Christ, and the enemy. And Jesus stood victorious. मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में एक संघर्ष चल रहा था, एक द्वंद चल रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल डाला और वो कार्य पूरा हो गया। इसीलिए विश्वासियों हम एक गीत गाते हैं, शैतान का सामना करो वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ, शैतान हार गया, और एक बार हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, पापों की क्षमा के कारण शैतान एक बार हमेशा के लिए हरा दिया गया। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में प्रभु यीशु मसीह जख्मी तो हुआ परंतु विजयी रहा। जीसस, द स्टोरी ऑफ जीसस डज नॉट एंड इन अ ट्रेजेडी, इट एंड्स इन अ ट्रायंफ। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा एक त्रासदी में नहीं परंतु एक विजय में और एक जयवंत होने में वो समाप्त होती है। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से पुकार करके कहा, पूरा हो गया, उद्धार का कार्य पूरा हो गया, छुटकारे का कार्य पूरा हो गया, और जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था विश्वासियों, वो कार्य पूरा हो गया। यूहन्ना लूका की इंजील और उसके 4th अध्याय के पहले 13 पदों में हम एक घटना को पढ़ते हैं। लिखा, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास पूरा करके आया था और शैतान से उसकी मुलाकात होती है और शैतान उसको अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में डालता है। और एक परीक्षा में शैतान कहता है, तू अपने आप को इस ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दे। और लिखा है कि स्वर्ग दूत की सेनाएं आकर के तुझे हाथों हाथ उठा लेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा का उत्तर दिया और कहा, और यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। आपको मालूम है शैतान उस दिन क्या कर रहा था? शैतान उस दिन प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के मुख्य उद्देश्य से उसको भटकाने की कोशिश कर रहा था। You know what Satan was trying to do? He was trying to divert and waver Jesus away from the primary purpose of his coming to the earth. Satan was trying to tell Jesus, it is sufficient for the world to know that you are the Son of God. So throw yourself down from this high place and the army of angels will come and they will lift you up so that you don't get hurt and the world will know that you are the Son of God. And Jesus said, no, my primary purpose is not so that the world may know that I am the Son of God. My primary purpose is that the world should be saved because of my death on the cross of Calvary. And my dear people, this is what Satan tries to do with you and me. Shaitan aapke aur mere saath bhi yahi karna chahta hai, hame hamare jeevan ke mukhya uddesh se bhatkane ka prayas karta hai. Us din shaitan ne Prabhu Yeshu Masih ko bhi uske jeevan ke mukhya uddesh se bhatkane ka prayas kiya. The primary purpose of the coming of Jesus in this world was to reconcile man and God, manush ko aur parmeshwar ko, us toote hue sambandh ko जोड़ने के उद्देश्य से यीशु आया था। वो संगति जो टूट गई थी उस संगति को फिर से स्थापित करने के लिए आया था। याद करिएगा, बागे अदन में जब आदम और हवा ने पाप किया तब मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो संबंध था वो टूट गया, वो संगति टूट गई, समाप्त हो गई। अर्थात वो संगति टूटी इसलिए थी क्योंकि पाप आ गया था। सो यीशु आया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा वो पाप हटाया जा सके, ताकि परमेश्वर और मनुष्य फिर से उस संगति में स्थापित हो सके। सो रेकंसिलिएशन माय डियर पीपल वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। सो जीसस केम टू द अर्थ सो दैट ही कुड डाई ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी फॉर द रेमिशन एंड फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस, सो दैट सिन वुड बी टेकन अवे एंड मैन एंड गॉड वुड कम बैक इन ए कांस्टेंट फेलोशिप एंड रिलेशनशिप विद ईच अदर। और इसलिए लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसके 9th अध्याय और उसके 22वें पद में, इसीलिए अनहोना है कि बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा संभव। इट इज नॉट पॉसिबल दैट देयर वुड बी एनी फॉरगिवनेस ऑफ सिन विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड। पर सवाल यह उठता है, किसका लहू? हूज ब्लड इज टू बी शेड फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिन? हिब्रू चैप्टर 10 एंड वर्स 4 सेज दिस, फॉर इट इज नॉट पॉसिबल दैट the blood of bulls and goats be sufficient for the forgiveness of our sins. ऐसा अनहोना है और हो नहीं सकता कि बैलों और बकरों का लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल सके। इफिसियों की पत्री उसके 1st अध्याय और उसके 7th पद में लिखा, we have forgiveness and redemption through the blood of Jesus Christ.
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश का समय आया था और वो जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया और आकर के उसने मरियम से कहा, तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फॉर ही विल गिव हिज लाइफ एज अ रैंसम फॉर मेनी पीपल। एंड यू नो व्हाट द वर्ड रैंसम मीन, रैंसम मीन्स द पे ऑफ अमाउंट, वो दाम, वो मूल्य जो किसी को बचाने के लिए चुकाया जाता हो। बहुतों की छुड़ौती के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए आया था। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके 18 और 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वी हैव फॉरगिवनेस थ्रू द डेथ एंड द शेडिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, और जब पापों की क्षमा मिलती है, जब पाप हटाया जाता है, तब परमेश्वर और मनुष्य उस घनिष्ठता के, एकता के और संगति के संबंध में फिर से स्थापित हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप कराने आया था। जीसस केम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। और आज जब वो सलीब पर लटका हुआ था और अपने लहू को बहाया उसने, और जब वो अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार है, वो पुकार करके कहता है, इट इज फिनिश्ड, कार्य पूरा हो गया, छुटकारे का और उद्धार का कार्य पूरा हो गया। द वर्ड, द ग्रीक वर्ड फॉर इट इज फिनिश्ड इज टेटेलेस्टाई। टेटेलेस्टाई मीन्स पेड ऑफ, दाम चुका दिया गया, द प्राइस हैज बीन पेड, Now nothing has to be done. It is finished. और लिखा है कलाम में, प्रभु यीशु मसीह सारी मानवता के सारे पापों के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान किया। Jesus gave his life, shed his blood for the entire sins of entire humanity. जितने पाप अतीत में हुए थे, जितने पाप आज वर्तमान में हो रहे हैं, और वो पाप जो मानवता के भविष्य में किए जाएंगे, उन सारे पापों के लिए उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान दिया। कलाम में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, आज के इस दिन मैं आपको एक बहुत गंभीर बात याद दिलाना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और याद रखिएगा, जब जब आप पाप करेंगे, शैतान आपके ऊपर एक दोष की उंगली उठा करके कहेगा, तुमने पाप किया है, अब तुमको मरना होगा। और हर इस मौके पर आप शैतान का ध्यान सलीब के ऊपर ले जाइएगा और कहिएगा, लेकिन यीशु मर गया था, पर जीसस डाइड, वो मेरे लिए मर गया, वो आपके लिए मर गया। जीसस डाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। सो व्हेनेवर सैटन पॉइंट्स योर सिन टू यू, यू पॉइंट Jesus to Satan. Look at Jesus. Look at his sacrifice. Look at the cross. Look at the blood of Jesus which was shed for my sins. And I am forgiven because of the death and the shedding of blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा आपको मुझे पापों की क्षमा मिलती है। लिखा है रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 8वें पद में, While we were yet sinners, Christ died. जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मर गया। I just want to end here, my dear people. In the book of Genesis, chapter 1 and verse 31, we read, On the sixth day, God created man in his own image and likeness. And today, in the sixth word, God, through Jesus Christ, recreated man and brought him back into his image. छठे दिन परमेश्वर ने सारे मानवता की रचना की थी, इंसान को बनाया था, मनुष्य को बनाया था, और आज इस छठवें वचन में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा, पापों की क्षमा को दे देने के द्वारा, मनुष्य को, मानवता को फिर से एक बार अपने स्वरूप में और अपनी समानता में ढाल लिया। ऑन दैट डे गॉड सेड, इट इज गुड।
What is good about the death of Jesus Christ? And the answer is, ask a sinner. एक पापी से पूछिए कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में भलाई क्या है, अच्छाई क्या है, वो आपको बताएगा, यीशु की मृत्यु के द्वारा मुझे जीवन मिल गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण हमें जीवन मिल गया। And that is why today, this day is called Good Friday. It is good not for God, it is good not for Jesus, but it is good for you. It is good for me. It is a Good Friday. Because of this Good Friday, you and I, who were going towards eternal death, are now turned and going towards eternal life. आज का दिन शुभ शुक्रवार इसलिए है क्योंकि हम जो पाप में पड़े थे और मृत्यु की ओर जा रहे थे, यीशु के बलिदान के द्वारा हम अनंत काल के जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने पुकार करके कहा, पूरा हो गया, पूरा हो गया, वो कह रहा है उद्धार का कार्य पूरा हो गया। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, किसी रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उद्धार का कार्य पूरा हो गया है। और कलाम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से सलीब पर से पुकार करके कहा, पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस पर से प्रभु के द्वारा कहा गया सातवां वचन मिलता है लुका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 46वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। कि परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह द्वारा उस पर कहे गए सातवां वचन जो मिलता है लुका के 23वां अध्याय और उसके 46 पद में, अ वर्ड ऑफ सर्टेनिटी और अ वर्ड ऑफ कंटेंटमेंट, एक निश्चयता का, एक संतुष्टि का वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से आखिरी वचन कहे। ये अंतिम वचन है। यहूदी परंपरा में सात नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सात नंबर जो है वह है, बताता है परिपूर्णता को, परफेक्टनेस। परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की और 7वें दिन उसने विश्राम किया और परमेश्वर ने उस दिन को आशीषित किया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। 7वें कल में हम पढ़ते हैं कि वो एक बड़े विजय के साथ में घोषणा करता है और कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता की संगति में बहुत दिन से नहीं रहे हैं ये। अब इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता, अब मैं तेरी संगति में आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू योर कम्युनियन नाउ। जो 3 वचन प्रभु ने कहे थे उसने मनुष्यों से संबंधित बातें थी। उसने एक व्यक्ति को स्वर्गधाम पहुंचाया, अपनी माँ के लिए एक पुत्र उसने दिया, और इस प्रकार से प्रभु ने इस 7वें वचन में बताया है कि अब वो अपने पिता के पास में जा रहा, अपनी आत्मा को पिता के हाथों में वो सौंप रहा है। अपनी आत्मा को हथियारों के हाथों में नहीं, लेकिन पिता के हाथों में अब सौंप रहा है। जिस काम को तूने पूरा करने के भेजा पिता परमेश्वर, मैंने इस काम को पूरा कर दिया है और मैं अब तेरे पास में आना मांगता हूँ। इस घोषणा से ये घोषणा कर रहा है, हे पिता। परमेश्वर को ये पिता कहता है। बार बार पाते हैं बाइबल में, नए नियम में, यीशु मसीह परमेश्वर को अपना पिता कहता है और उसी पिता के अधीनता में अपने आप को देना मांगता है। कुछ बातें इसमें हैं। पहली बात यह है, ही कम बैक इनटू द फेलोशिप विद द फादर अगेन। अपने पिता के संगति में पुनः यीशु मसीह आ रहे हैं। एक डेफिनेट रिलेशनशिप देखते हैं पिता और पुत्र का। एक पक्का एक रिश्ता है, एक बाप है, एक बेटा है। यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर का द्वितीय व्यक्ति है। अब वो अपने इस पिता परमेश्वर के
सामने आता है। 3 घंटों तक मनुष्यों शैतान से के संपर्क में था, उसको लोगों ने सताया, मारा पीटा, कीलों कीले ठोकी, सिर पर कांटों का ताज और रखा, पंजर में भाला बेधा। लेकिन अब जो है उसने घोषणा किया है कि पूरा हुआ, उसके बाद कहता अब हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में मैं सौंप रहा हूं। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को सौंपा, ही yielded his spirit into the hands of his father, एक डेफिनेट रेस्ट के लिए। पिता का जो हाथ है एक सुरक्षा का हाथ है, एक शांति का स्थान है। यहां पढ़ते हैं अपने पिता के हाथों में, अपने पिता की गोद में वो सिद्ध आराम चाहता है, और इसलिए कहता है मैं अपनी आत्मा को हे पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पौलुस कहते हैं 2 तिमोथियुस 1:12 में कि ये जो मेरी आत्मा है मैं एक धरोहर के रूप में हे पिता मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक थाती है, एक धरोहर है, एक मैं मिराश है, मैं तेरे हाथों में देना चाहता हूँ। बालाम जो एक नबी है उसने गलती की, पढ़ते हैं गिनती के पुस्तक 23:10 में कहते हैं कि अब मैं एक धर्मी के रूप में मैं मरना चाहता हूँ। मित्रों, हम जो मनुष्य हैं या हम जो मसीही लोग हैं, हम किस प्रकार की मौत को मरना चाहते हैं, धार्मिक के रूप में अधार्मिक के रूप में? बलाम ने प्रार्थना की, उसकी तमन्ना थी मैं एक धार्मिक के रूप में, आई वॉन्ट टू डाई अ डेथ ऑफ रिचेस। क्या आपकी तमन्ना है? प्रभु मसीह पापी नहीं थे, प्रभु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, हमारे पापों के लिए पाप बन गए, लेकिन अब उस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए अब यीशु मसीह जो है अपने पिता के गोदी में अपने पिता के सामने जाना मांगते हैं। अब कहते हैं हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में, इट वॉज ए यूनिक प्लेस द हैंड ऑफ द फादर, पिता के हाथ में, तेरे हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं परमेश्वर। अभी तक शैतान ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब परमेश्वर मैं अब तेरे हाथ में अपनी आत्मा को सौंपता हूँ। किसी को उसके प्राण को लेने का अधिकार नहीं। प्रभु ने कहा 10:17-18 में मुझे प्राण देने का और प्राण लेने का अधिकार प्राप्त है। यीशु मसीह ने स्वयं अपनी इच्छा से अपना प्राण दिया और अपनी इच्छा से अपने प्राण को त्याग दिया। हम पढ़ते हैं 27:50 में तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर अपना प्राण छोड़ दिया। इट वॉज डिक्लेरेशन, घोषणा की। ये ओरिजिनल इसका मीनिंग ये होता है दैट ही डिसमिस स्पिरिट। जैसे एक एक मालिक, एक स्वामी अपने नौकर को नौकरी से बर्खास्त करता है, वैसे यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को पूरे अधिकार के साथ में अपने पिता के हाथों में सौंप दिया है। यूहन्ना 19:35 में कि यीशु ने सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। ही हैड पावर टू गिव लाइफ एंड टू रिसीव लाइफ। यीशु मसीह अब जो है एक इटर्नल सिक्योरिटी के स्थान में, एक सनातन काल के स्थान में वो पहुंच रहा है। उसकी आत्मा पिता के हाथों में जा रही है। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10:28 में वो कहता है कि उस स्थान में कह रहा है तुम्हें मेरे पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह अब अपने आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंप रहा है। हम पढ़ते हैं डिटरनोमी उसका 33:3 में पढ़ते हैं वही वो जो पद 33:3 का, ये हमारे विश्वास का आधार है। अब वो आधार क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह एक गया सुरक्षित स्थान में, हम कहाँ जाएंगे? हमने कभी विचार किया कि हम कहाँ जाएंगे? हम मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? आपने कभी जैसे यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को सौंपा पिता के हाथों में, क्या आपने अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा है या नहीं? जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक संगति की का अभाव था, यीशु मसीह उस अभाव को पूरा किया, अतः उसने कहा पूरा हो गया। वास्तविकता जो है अब सामने आ गई है, स्पष्ट हो गई है, केवल यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है, वही स्थान जहां पर हम जा सकते हैं। हर एक प्राणी को परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है। यीशु मसीह ही हमारे लिए उद्धार का द्वार है, यीशु मसीह हमारे सुरक्षा का स्थान है। सनातन काल की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा में हमें अपने आप को सौंपना है। मित्रों, क्या आपको अपनी आत्मा की चिंता है? मरेंगे बाद आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे? वो स्थान जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहां जाएंगे, या आप कहाँ जाएंगे? वो स्थान
एक सुरक्षित स्थान है, वह स्थान एक आनंद का स्थान है, वह स्थान एक खुशी का स्थान है, वह स्थान जहाँ पर न शोक है, न मृत्यु है, न कोई कष्ट है, न कोई पीड़ा है, उसको आनंद जीवन बोलते हैं, शाश्वत जीवन। यदि आपने अभी तक ये जीवन नहीं प्राप्त किया है, प्रार्थना करें परमेश्वर आप पर दया करें और आपका आपका समय सनातन काल का जीवन हमेशा के लिए स्वर्ग में व्यतीत हो। आमीन।